हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशांत एजुकेशन। और अभी रिसेंटली मैं गवर्नमेंट ने एक योजना को अनाउंस किया है जिसका नाम है अग्निपथ अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 स्कीम योजना। ये काफ़ी शानदार स्कीम है और ये अभी अभी लॉन्च हुई है, तो हम चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसकी क्या सैलरी होगी, कितने साल का सर्विस होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और चलिए हम शुरू करते हैं। तो अग्निपथ स्कीम जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अगर आपका सपना भी देश की सेवा करना है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मिशन अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राजनाथ कोविंद के साथ, तो उन्होंने तीनों सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे थे। तो इसके बारे में आखिर में कितने साल की होगी, 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे युवा। केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई है स्कीम खास देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई है। तो जो भी देश की सेवा करने चाहते हैं उनके लिए काफ़ी शानदार स्कीम है ये। और इस योजना के तहत जो है युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म सर्विस के सर्विस कही जाती है। तो इस योजना में वो शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए नियुक्ति हो जाएगी युवाओं की। और उन्होंने कहा कि ये क्यों करना चाहते हैं वो, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये योजना जो है उन्होंने की है। तो इसमें अब ये है कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सक कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी रेजिमेंट के लिए कर सकते हैं आप अप्लाई। इस योजना में किसी भी रेजिमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही रेजिमेंट में जाति धर्म क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं की जाएगी, मतलब कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब इस योजना में क्या है हम वो जानते हैं। 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी, मीन्स ये 4 साल की सर्विस होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, कि किन मीन्स ये रहेगा कि जो टोटल रहेंगे उनमें से अप टू 25% लोगों को वो रखना चाहेंगे सेना में, बाकी सब को सब वो छोड़ सकते हैं उसको 4 साल बाद। तो इसके साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ने वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जो नौकरी छोड़ते टाइम उन्हें पैकेज दिया जाएगा जो कि सेवा निधि पैकेज कहलाता है, ठीक है। उस पैकेज में अराउंड 11 लाख मिलेगा सब हर एक को, ठीक है। लेकिन इस जो योजना है इसमें पेंशन नहीं की जाएगी, एक बार में आपको पूरा पैसा दिया जाएगा, इसमें पेंशन का कोई रोल नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार में आपको 11 लाख के करीब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इस सेना के तहत भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे, तो काफ़ी अच्छा नाम है। तो इस सेना में जो भी जाएगा उसको अग्निवीर कहेंगे, ठीक है। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज़्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा, मीन्स मोस्टली जो रहेंगे उनको 4 साल बाद तो मुक्त कर दिया जाएगा, अप टू 25% है उनमें से उनको वो शायद रखना चाहेंगे, ठीक है। किस आयु वर्ग के युवा कर सकेंगे अप्लाई, तो इसमें इस योजना में सरकार अग्निवीरों को अच्छी सैलरी देगी और 4 साल की नौकरी के बाद मैं भी युवाओं को भविष्य के लिए काफ़ी नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि आप इसमें अगर करते हैं तो आपकी स्किल्स जो हैं, आपके पास स्किल्स आएंगी, आपका जो है काफ़ी आगे के लिए काफ़ी सही रहेगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और बता दें योजना में 17.5 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए ही है ये अग्निपथ स्कीम की आर्मी की ये एज लिमिट उन्होंने इतनी रखी है। इसमें 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग का प्रावधान है, यहाँ पे 10 हफ्ते से 6 महीने तक की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी जो काफ़ी आपको काम आएंगी। अब सैलरी कितनी होगी, इस योजना में अगर सैलरी की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस योजना में युवाओं को पहले साल 4,76,000 का सालाना पैकेज मिलेगा, सालाना पैकेज है ये, ठीक है। आखिरी यानी चौथी साल में यह बढ़कर 6,92,000 तक पहुंच जाएगा। वहीं रिस्क और हार्डशिप वाले भत्तों का फ़ायदा भी आपको मिलेगा, सेना के लोगों को मिलेगा। वहीं 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद में सेना के युवाओं को 11,70,000 रुपये सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे,
ठीक है, तो इस राशि पर किसी भी तरह का कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, मींस इनकम टैक्स वगैरह से ये मुक्त रहेगी। ये राशि पूरी आपको मिलेगी एक बार में और इस पे सिर्फ आपका हक रहेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो अब इस स्कीम के बारे में कुछ और जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं हम वो और जान लेते हैं। मेन मेन मैंने आपको बता दिया है इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या रहने वाला है। अब बाकी जो है इसमें, ये जो स्कीम है ये 14 जून को अनाउंस की गई है, और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल OBC EWS SC किसी की भी 1 रुपये नहीं लगेगा। आप सब इसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी इसकी जो लिंक है वो जल्द ही एक्टिवेट होने वाली है ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट मैंने आपको बता दी मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम 21 साल ही रहेगी। अब हम ये जानते हैं कि टोटल जो पोस्ट है वो 46,000 रहेंगी इस साल। ठीक है, अगले साल बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, पर इस साल जो है 46,000 पोस्ट रहेंगी। 46,000 पोस्ट, और पोस्ट का नाम वही अग्निवीर इन आर्म फोर्सेस। तो इसमें 3 फोर्सेस पार्टिसिपेट होंगी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, और जो इनमें पार्टिसिपेट करेगा उसको अग्निवीर कहेंगे। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी है क्लास 10, आप पास हो किसी भी बोर्ड से। ठीक है, और 46,000 पोस्ट है। अब आपका देखा जाए तो मंथली पैकेज जो रहेगा उसकी डिटेल देखते हैं। तो पहले साल आपको आपका मंथली पैकेज 30,000 रहेगा मंथली, जिसमें से आपको हाथ में 21,000 मिलेंगे, और 9,000 जो है वो 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाएगा। दूसरे साल 33,000 मिलेगा, जिसमें से हाथ में आपको 23,100 मिलेगा और बाकी 9,900 कॉर्पस फंड में जाएगा। तीसरे साल में वही 36,500 में से 25,580 हाथ में मिलेगा, 10,950 कॉर्पस फंड में जाएगा। चौथी जो लास्ट साल रहेगी उसमें 40,000 में से 28,000 इन हैंड सैलरी आपको हाथ में मिल जाएगी और बाकी 12,000 कॉर्पस फंड में जाएगा। तो फिर जब आप 4 साल के बाद एक्सिट करते हैं तो आपको 11,71,000 सेवानिधि पैकेज मिलेगा, प्लस आपने जो स्किल सीखी है उनका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, और 48 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, और टोटल जो इसमें युवा जो है वो इसकी जिनकी भर्ती होगी उनमें से 25% अप टू 25% जो रहेंगे उनको रेगुलर कैडरे ऑफ आर्म फोर्सेस उनमें एनरोल किया जाएगा। टोटल में से 25%, बाकी सबको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो थे ये इसके इस स्कीम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके इस योजना के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्रूशियल पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका इसमें अप्लाई ज़रूर करना, काफ़ी शानदार स्कीम है ये। और जो भी आपके जो भी जानने वाले हैं जिनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता उनको ज़रूर बताइए इस स्कीम के बारे में, जिससे वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकें। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें तो वो ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही और वैकेंसी की डिटेल के साथ आता रहूँगा। थैंक यू।